तो व्हाट इज अल्लाह आंसर, अल्लाह का आंसर क्या है भाई, जरा पढ़ना, जरा बानो, जरा पढ़ना इसको, आयत नंबर 48 क्या है, 48 क्या है, या इल्ला सहतम वाहिदा ताखुजुहुम मुमीन। तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह में वादा कब आएगा, तो कहना बस तुम्हें, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर ए, अंग्रेजी में क्या है, व्हाट दिस इन इंग्लिश, दे अवेट बट वन शाउट, वन शाउट, वन शाउटिंग और समथिंग, यू नो, सूर और हु सब हो गए एकदम, एक धमाका सा। ओके, सो मा यंजुरूना, दे डू नॉट वेट इल्ला a blast, and it will catch them, and they will be fighting. You will be fighting, discussing things, all these things, and Allah Azza wa Jalla will come. But this we are waiting for this thing. All of a sudden it will come. Okay. So 52 says, "Fala istatiyuna tawsiyatam wala ila ahlihim yarjun." You will not able to make the wasiyah, and you will not be write a will or give, tell something about some wasiyah, wala ila ahlihim yarjun, and you cannot return to your family. So suppose we know that the death is going to come after 1 hour or one thing, okay, and your time, then we write a will, wasiyat kar diye, jo ko itna kar dena, isko kar dena, usse kar dena, ye kaam kar dena, you will not have any time to do any wasiyah. Oh, all of this wahum yaqsamun, and you will be called and you will be. Okay, so this is one of the khafis wahum fa idha hum min al ajdasi ila rabbihim. Yes, what will happen, trumpet will be blown, sur phuka jayega, fa idha hum min al ajdasi, then they will be running from their graves to their tomb. क्या तर्जुमा, क्या पढ़िएगा अपना उर्दू का, और फूकी जाए सूट, फिर तभी वो कब्रों से अपने रब की तरफ फैल पड़ेंगे, फैल पड़ेंगे ना, यंसलून में चला, जिससे कैसे होता है ना, जैसे सांप जाता है या कोई जाता है, ये कब है ना, चले जाने से चूटी चले जा रही है और भागी चले जा रही है, क्या तर्जुमा, क्या दौड़ेंगे, दौड़ने का नस्ल को इसमें यह है कि फूक चले जाए, जैसे कि जैसे आप वो देते हैं ना टी वी पर देखते हैं कि कारों के कदा चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही, सब चली जा रही, तो उसका कंसेप्ट सब भागे चले जाए। ओके, और क्या कहेंगे उसमें, तो वो भट जेवल से कालू जेवल से या वैलना मम बासना में मरखदना। देखो आयत नंबर 52 में, आयत नंबर 52 का कितने हिस्से हैं, आयत नंबर 52 के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा किसका है, लोगों का है, और दूसरा हिस्सा किसका है, फरिश्तों का है या मुसलमानों का है या अल्लाह का है ना। आयत के पहले हिस्से में क्या है, वो कहेंगे अरे किसने उठा दिया, किसने मैं उठा दिया, ये आयत का पहला हिस्सा, और आयत का जो दूसरा हिस्सा है वो कहेंगे देखो मुसलमान बोलेंगे या अल्लाह में कहेगा या फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह में क्या, देखो ये है वो चीज़ नहीं मान रहे थे ये। तो आयत नंबर 52 हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट गोज टू द डिसबिलीवर्स, फर्स्ट पार्ट जो है ये काफिरों का है जो हमनक हैं परेशान से होंगे, और सेकेंड पार्ट जो है वो फरिश्तों का है या मुसलमानों का है या खुद अल्लाह में का है, ये है। ये चीज है जो रहमान ने कही थी, सलमान भी कह सकते हैं बात को, समझे, देखो यही है चीज जो तो अल्लाह ने वादा किया, यहाँ असमें हुआ ये कि झगड़ा तो हो ही रहा था, बहस वैसा तो हो ही रहा था, जब वो आया अब ऊपर गए वहीं से जहाँ से फर्ज किया कि मुसलमान और काफरों में कोई बहस वैसा हो रहा था, उसी भय से फिर अजाब आ गया, फिर ख़त्म हो गया, उठे तो वहीं से उठे, उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, उनका कहा यही तो चीज़ है जिसको तुम झगड़ रहे थे, समझे, हाजा मा मुसलमान भी कह सकते हैं, फरिश्ते भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, वह सदा कल मुसलमान, और जो रसूल थे वो सच, तुम कह रहे थे कि रसूल झूठे हैं, रसूल झूठे नहीं थे, रसूल झूठे,
ओके। अब ये अल्लामे का तबसरा है, समझे नहीं? आयत नंबर 53 में अल्लामे ने कमेंट किया है, तबसरा किया है। अल्लामे का तबसरा क्या है? इन कान दिल्ला सहत वाहिदा फैजा हूँ जमीहुल लगाना। तुम लोग कहो कब आएगा कब आएगा, मजाक उड़ा रहे हो। देखो सिर्फ एक चीख होगी, बस सहा सहा मानी चीख, एक चीख होगी और सब लोग आ गए। पूछते रहे तुम कब आ रहे हो कब इन कानत इल्ला सहतम वायदा, वो कुछ भी नहीं बुजुर्ग चीख एकदम से चीख होगी। फैजा हूँ जमी उन सब के सब लदई ना मुहतरम सब के सब हमारी खिदमत में हाजिर। अब इस पे वो तबसरा चल रहा है। ये हिस्सा जो है ये बहुत खास है, तो दो तीन मिनट में ख़त्म होता है नमाज के वक्त में। ये घड़ी सात मिनट आ गए है, बस सात ही मिनट हम और लेते हैं। फल योमा ला तज ला तुज़लम नफ्सुन शैया, आज के दिन किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, किसी शख्स पर कोई जुल्म नहीं होगा। टुडे नो इनजस्टिस नो ऑपरेशन no unjust operation will be done to anyone. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ and you will be rewarded what you used to do. no zulm, कोई जुल्म नहीं होगा, जो तुम करते थे वही वही तुम्हें मिले। ये कर दो, फरिश्ते कहें ये अल्लाह का कहें कि आज अल्लाह ने फरिश्ता खड़ा जैसा कहें। ओके, अब ये हो जाएगा। अब दो जमातें हैं, एक पहली जमात का जिक्र हो रहा है 55 से लेके 58 तक, और दूसरी जमात का जिक्र हो रहा है फिर 63 से। पहली जमात को ले लो, पहली जमात कौन सी है? मोमिनीन की, बिलीवर्स की जमात, ईमान डालने वाले की जमात। तो व्हाट इज इन 55, ये जो ईमान लाने वाले हैं उनकी जमात है, वो क्या है? इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगलिल फाकिहून, बेशक जन्नत वाले लोग आज के दिन मजे उड़ा रहे होंगे। फी शोगलिन, शोगल बिजी है, किसी भी चीज़ में फिशिंग कर रहे हैं, किसी भी बिजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम में ऐसे आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यानी किसी न किसी खेल में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कोई कुछ भी जिस चीज जो भी दिलचस्पी की चीज़ है अपनी, मुख्तलिफ दिलचस्पियों में मुख्तलिफ शोगल में मसरूफ होंगे। फाके हूँ दे विल बी एंजॉइंग डिफरेंट बिजनेस, खाली नहीं बैठे रहेंगे, बैठे हुए लेटे हुए और कुछ काम मसरूफ है, तो एंजॉय कर रहे हैं हर चीज़ को। हो सकता है खेती बाड़ी शुरू कर दें, कोई भी जिस चीज़ में मजा आए वो करो, लेकिन उसको एंजॉय कर रहे हैं मसरूफ। तो आया नंबर 55 सेज दैट द पीपल ऑफ जन्ना विल एंजॉय वेरियस एक्टिविटीज, द पीपल ऑफ जन्ना विल एंजॉय वेरियस एक्टिविटीज। अच्छा कौन होंगे? अकेले नहीं होंगे क्या? अकेले होंगे, दोस्त अहबाब भी होंगे, मियाँ बीवी भी होंगे, सब होंगे, फैमिली के साथ भी, अपने फैमिली के साथ भी होंगे वो, और उनके उनके अजवाज, उनके स्पाउसेस, मियाँ बीवी। फी जिलालिन अलर रायगे मुत्तकीन, बैठे हुए होंगे साय में और सोफों के ऊपर, तकिया तो सोफे में तकिए लगाए बैठे हैं, अपना अजय से बातचीत कर फैमिली एंजॉय कर। ओके अच्छा ये हो गया, ये शोगोली मुत्ता क्यों, मगर बातचीत कर रहे हैं। अच्छा लहूम फीहा, उनके लिए है उसमें फाकेहा, फाकेहा क्या माने भाई? देखो मेवे मतलब ये सेब है, अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है, आम है, जो भी कुछ है, फाक है तुम वलहूम, और जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो हर तरह के फल भी हैं, लगे हुए हैं, खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, खरबूजे खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, जो भी कुछ है ना, अल्लाह राय के मुत्तकी। लहुम फिहा फाकेतुम व लहुम मायकुम, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सलाम कहा जाएगा रब्बिर रहीम, अल्लाह की तरफ से हो गया भाई तुम पर सलामती। तो अल्लाह में खुद उनको रिसीव करेंगे खुश से, क्योंकि अल्लाह में के मेहमान होंगे ना, भाई कोई मेहमान आता है तो आगे बढ़ के सलाम करते हैं, तो अल्लाह में जो है वो सलाम करेगा, रिसीव करेगा खुद। रब्बे रहीम, रहीम के क्या माने? व्हाट इज साहब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रहमान एंड रहीम, एंड व्हाई रब्बे रहीम, व्हाई नॉट रब्बे रहमान? रब्बिन क्या है? रब्बिर रहीम, व्हाई नॉट रब्बिर रहमान? रहीम मींस मर्सीफुल, व्हाट द डिफरेंस? व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिड नॉट यूज रब्बिर रहीम, रब्बिर रहमान है, रब्बिर रहीम क्यों? रब्बा
रहमान सबके लिए। हाँ, रहमान में तो यह है कि ओम पाया जाता है, और रहीम में when you make tawbah, when you try to do good deeds, then Allah comes special. So Rahim refers to Allah's mercy to those people who seek His forgiveness. Those people who make tawbah, those people who do istighfar, those people who try to be good people, Allah gives them all the way more reward. The word for that is Rahim. So Rahim means the merciful Lord who appreciates the good deeds